कभी नवाबों के नाम थे तो कभी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के नाम थे, और अब सियासत के गढ़ कहलाने वाले रामपुर में निकाय चुनाव का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। वहीं सभासद भी मेहनत से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कौन किसको शिकत देता है, कौन किसको मात। इसलिए खड़ी हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, लोगों की समस्या दूर कर सकूँ। इस वार्ड के आवाम ने मुझे इस यहाँ पर खड़ा किया है कि मैं किसी की पर्चियाँ हैं, किसी की पेंशन है, मैं इनकी बदमा सकूँ और इनके काम आ सकूँ, इनकी आवाज़ सुन सकूँ। मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ इस वार्ड नंबर 13 में। किसी की नालियाँ हैं, साफ सफाई है, लोग मुझसे कहते हैं, मैं सुनती हूँ। और मैं एक बहुत गरीब मेंबर हूँ, मैं उनकी आवाज़ सुन सकती हूँ और सुनना चाहती हूँ कि मैं उनका काम करवा सकूँ। मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ इसमें वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार। हमने समस्याएं रखी तमाम लोगों ने, नालियों की और गड्ढों की, मुक्ति की और कूड़े के अंबार लगे हुए जगह जगह, और तमाम पेंशनें और राशन कार्ड की पर्चियों वगैरह के, इसकी वजह से समस्या की वजह से सारे काफ़ी लोग आए हमारे कहने, भाई आप चुनाव लड़िए और आपको इंशाल्लाह हम आपको कामयाब कराएंगे। मौजूदा मेंबर ने बहुत बुरा हाल यहाँ पर कर रखा है और ये पूरे वार्ड का ऐसा सारा निज़ाम बिगड़ा पड़ा हुआ है जो कि उसने देखा ही नहीं कहीं पे, ना किसी लोगों के हरस मरस में या और लोगों की परेशानी समस्याओं में कभी काम नहीं आया। हमें लोगों ने खुद ही खड़ा कराया अपनी मर्ज़ी से, कहा वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, शिबू भाई आप इस काम के लिए आगे आइए, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और हमारी फाइट में जावेद से है और जावेद का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं। बहुत दिक्कत और बहुत परेशानी है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से इनके काम करने के लिए। और यहाँ पर डिपो पे जाते हैं परेशानी होती है, उनको पर्ची उनके ख़राब है, नाज नहीं मिल जाए, तो मैं इसलिए ज़्यादातर उनके कामों के लिए खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर। नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं कीड़े कीचड़ से और पानी नहीं निकलता, परेशान होते हैं बहुत, तो उनकी समस्या के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ इस वार्ड से। मेरा नाम सईद है और यहाँ वार्ड नंबर 42 का उम्मीदवार पत्नी है मेरी, जो कि इस समय चुनाव मैदान में है, फूल भी उनका नाम है, प्रत्याशी पत्नी है हमारी। और इस वार्ड की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, एकता और भाईचारे के लिए हमने ये कदम उठाया है जिसको लोगों ने सराहा है और आगे भी इंशाल्लाह सराहते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो ये है कि जो लोगों के सुख दुख है होते हैं उसमें शरीक हो जाएं हम लोग, और उनके घर की जैसे खुशी है, गम है, जो कोई साफ सफाई नगर पालिका से जो भी मतलब कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सब का लाभ उन तक पहुंचे, इसी मकसद से इस चुनाव के मैदान में हैं हम। और यहां से पत्नी हमारी प्रत्याशी हैं। यहां के लोगों के वार्डवासियों ने बहुत ही प्यार और मोहब्बत से और पुरखलोस कोशिशों के साथ हमें इस मैदान में उतारा है और इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है, खुदा ने चाहा तो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि समस्त रामपुर के वोटरों से ये अपील है कि अपने अपने वार्डों से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अच्छे लोगों को वोट दें और उन्हें प्रत्याशी बनाकर नगर पालिका पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों की जो पारिवारिक समस्याएँ छोटी मोटी जो ज़रूरतें होती हैं उनका निस्तारण कराएँ वो वहाँ सुलझा कर। वो कैसा होना चाहिए? देखिए, चेयरमैन जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि विकास के मामले पे हम वोट देते हैं और विकास पे हम वोट देंगे। और जो चेयरमैन है, ये देखिए आप शहर की हालत देख रहे हैं, माशाल्लाह से पहले क्या हालत थी, तो हमें इसी तरह का बंदा चाहिए जो काम करवाने वाला हो। और विकास के तो ये समझ लिए नाम पर कि एक आतंक मचा हुआ है शहर में, जब से इलेक्शन शुरू होते हैं और इलेक्शन के बाद तक कभी मतलब मकसद ये है कि फावड़ा मजदूर का रुकता नहीं है पूरे 5 सालों में। तो हमें तो भाई विकास करवाने वाला बंदा चाहिए और जो हमारे साथ खड़ा रहे हर वक्त, हर बुरे वक्त में हमारा साथ दे, हमें वो बंदा चाहिए काम करने के लिए। कैमरामैन गुड्डू खान के साथ उबैद खान, शार्फ मीडिया न्यूज़, रामपुर।